respected principal, teachers, and all my dear friends. Today, we the students of 11th Powers English Medium are going to present a skit for assembly on the topic of addiction and rehabilitation. Nowadays, addiction is common in youngsters due to bad company, stress, and peer pressure. So, आइए देखते हैं कि श्रेय जैसा होनहार लड़का इस ड्रग एडिक्शन में कैसे फंस गया और एडिक्शन की वजह से फैमिलीज कैसे बर्बाद होती है। Can you see this credit card? This belongs to Mr. Kapoor. He has registered a complaint and suspect your son. Your son Shrey and Mr. Kapoor's son are friends. They are drug addicted. We have got him red-handed. We are taking him for interrogation. Hey, Bhagawan, aisi aulaad kisi ko na de. Dear friends, as we saw how hopeless and worried Shrey's parents become due to his addiction, they don't know how he got addicted. गलत संगत की असर है. ड्रग्स के लिए चोरी की और जेल पहुंचा. एडिक्शन का प्रॉब्लम समाज में सभी वर्गों में फैला हुआ है. ऐसी ही एक कहानी है रिया की, जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है, जिसके माता पिता व्यसन करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ इस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर दी. अगला सीन आशीर्वाद रिहैबिलिटेशन सेंटर का है, जो वो आओ देखते हैं रिया यहाँ कैसे पहुंचती है. आशीर्वाद रिहैबिलिटेशन सेंटर. ये रिया है बेटा. ये कहाँ से मिले? मैडम, कई लोगों ने उनसे गुड बाय टेकरे के पास एक औरत ने हमें फोन किया कि बेसहारा है, इसलिए हम इसे लेके आए. अच्छा किया. रिया, पानी पियो. तुम्हारे माँ बाप कहाँ? मेरा कोई नहीं है. मेरी माँ को उनका कैंसर हुआ था. वो पिछले साल ही चल बसी. क्या वो बीड़ी पीती थी? बहुत ज्यादा. मेरे पिताजी भी पीते थे. मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिताजी को शराब की लत लग गई थी. 15 दिन पहले वो भी चल बसी. तुम्हारे सगे संबंधी कहाँ है? पता नहीं, कोई आया ही नहीं. पड़ोसियों ने मेरी मदद की थी, अब तो वो भी नहीं देखते. मुझे डर लगता. डरो मत, तुम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो. हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे और सलाह तुम्हें भी सिखाएंगे. मैं
ऐसे ही कुछ निराश बच्चे आशीर्वाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में आते, वो डरे हुए होते हैं या नशे के आदि होते। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि जब डर लगे या अकेलापन लगे तो नशे का नहीं प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। साधना हमें परमात्मा से जोड़ती है। साधना द्वारा हम भगवान का हाथ थाम सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और बीपी कंट्रोल में रहता है। प्रार्थना से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमें बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है। श्रेय इधर आ। श्रेय इज हियर सिंस 6 months। सी द चेंज इन हिम। वो अब सही रास्ते पे चलता है। He works as volunteer here. His life has changed him. चलो, it's time for prayer.